इधर 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 आओ देखो सर। गोडक जिले में आदिवासी का तो हमारे बहिरपाल के लोग बोलते हैं गरीबा के वहाँ तो बहुत तकलीफ है उनको बच्चे बच्चे उनको तकलीफ ऐसी तकलीफ सही रही उन्होंने उनके मस्ती कन्नड़ में बोलते हैं जीता पैदा थी करपुर को वो हमारे क्या बोलते नहीं मालूम कि वो आप तो यहाँ नहीं है वो जीता नहीं है हमारे यहाँ तो उधर अभी है वो तो वो लोगों को बहुत तकलीफ है बहुत सहना चले उनकी बहुत ही मुसीबत आई उनको उनके मुसीबत के वास्ते हमें भी जरा यहाँ हेल्प हो रही ये क्या नहीं दूसरा। स्वराज न्याय चौड़ी के संगठना की तरफ से आज हम सब लोग संगठना की औरतें डीसी को एक मनवी पत्र दिए। ये मनवी पत्र देने की वजह क्या बोले तो कड़ूग डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी लोग बुड़ुकट जना बोलते हैं उनको वो आदिवासी लोगों को क्या है काफ़ी के बगीचे वाले वो बगीचा के अंदर ही छोटे छोटे घर बना को 10,000, 20,000, 50,000 कर्जा दे को उनको वहाँ काम के वास्ते रख लें जैसा जीता पद्धति कहते हैं जीता पद्धति सरकार अब निषेध करी लेकिन वहाँ अभी जीता पद्धति स्टार्ट है जिंदा है वहाँ वो जीता पद्धति में 50,000, 10,000 में उन्होंने उनके दादा काम करे वहाँ और उनके दादा के बाद उनके बाप काम करे अब उनके बेटे ये जमाने की जनरेशन भी अभी वहाँ काम कर रही वहाँ काम करने वाले लोगों को कौन सी भी हक नहीं है जैसा शिक्षण के होंदे फिर अच्छा खाना पीना होंदे फिर उनका रोज़गार के मुताबिक उनको पेमेंट देना वो रोज़गार के मुताबिक पेमेंट भी नहीं है और उनको बाहर जाना हुआ तो भी वो काफ़ी के मालिक को कुछ कुछ उन्होंने गेट पार करना बाहर निकले तो एक हफ्ते का बाजार रहता है जब भी उन्हें बाहर निकलना अब ये जीता पद्धति गुलामगिरी अभी वहाँ पर कायम है। देश आज़ाद हो को 75 साल हुआ तो भी वो लोगों को आज़ादी अभी नहीं मिली और वो लोग हकीकत में हमारे भारत देश के मूल निवासी कर को बोल को उन्हों वो लोग हैं लेकिन वो लोगों को सरकार देख रही नहीं पूछ रही नहीं और उनकी तकलीफ पूछ रही नहीं रात दिन मिला को उन्होंने 250 दिन हुआ वहाँ पर धरनी कर रही लेकिन वहाँ के सरकार आंखें खोलने तैयार नहीं उनके तकलीफ पूछने के वास्ते तैयार नहीं। इसलिए क्या है कर्नाटक के हर एक संगठना वाले मिला को क्या है आज 7 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट में जिला अधिकारी को मनवी देखो आगे का काम क्या कर तो उसके बारे में अगर वो मनवी के ऊपर उन्होंने एक्शन नहीं लिए वो लोगों को पूछे नहीं वो लोगों का हक देने की बात नहीं करेगा तो आगे के दिनों में क्या है सब जिले में ये इशू के बारे में हमें धरना करना आकर बोल को सोच अभी आप डीसी को मिले क्या बोले डीसी उन्होंने क्या है हमें अर्जी दिए सो हमें मंत्री तक पहुंचाते हैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं और इसके बारे में कड़ूगु डिस्ट्रिक्ट के जिला अधिकारी के साथ भी बात करते हैं पहुंचाते हैं कर को बोले अगर ये आगे दिनों में समस्या हल नहीं होती तो आप क्या करने वाले तो हमें हर कर्नाटक के हर डिस्ट्रिक्ट के जिला अधिकारी ऑफिस के सामने धरना करने का आगे का प्लान है। आपका नाम बोलो सायरा क्या आप संघ में क्या आई हैं मैं संचालक ही हूँ स्वराज संगठन स्वराज न्याय चौड़ी महिला संगठन अब एक बार बोलो स्वराज न्याय चौड़ी महिला संगठन विजयपुर आगे बढ़ने वाले कैसा बात करना